हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइज, कुछ आपने जो वीडियो देखा है रिव्यू में, तो उस तरह की वीडियो किस तरह से एडिट करें, इस वीडियो में हम आपको फुल बताएंगे। अगर आपने इस वीडियो को इंस्टाग्राम पे देखा होगा तो आपके दिल में आया होगा कि इस वीडियो को हम कैसे एडिट करें। सो इस वीडियो को हम इसमें फुल बताएंगे। वीडियो को जरूर पूरा देखना, तभी आपको पता लगेगा वीडियो कैसे से एडिट करना है। सो इस वीडियो को हम बनाने के लिए सिंपल VN एप्लीकेशन यूज करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, तो जाइए वहां से डाउनलोड कीजिए। चलो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल हम चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। हेलो गाइस, सो सबसे पहले आपने अपना VN एप्लीकेशन ऑन कर लेना है। VN एप्लीकेशन ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपल आपने अपनी 5 फोटोज ऐड करनी है। तो ये बेसिकली लड़कियां जो इस पे वीडियो बना रही हैं, ओके बट साड़ीज, मतलब इस तरह सा जो है बहुत ही ट्रेंड कर रहा है इंस्टाग्राम रील्स पे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल आपने यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है। तो यहाँ पे जाने के बाद आपने अपनी 5 फोटोज ऐड कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं फटाफट 5 फोटोज यहाँ पे ऐड कर ले रहा हूँ। सिंपल यहाँ पे मैं 5 फोटोज ऐड कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं बेसिकली किसी भी चीज़ पे बना देता हूँ। सिंपल यहाँ पे मैं 5 जो है 5 फोटो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ सिंपल यहाँ पे मैं ये 5 फोटो सिलेक्ट लेता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे मैंने 5 फोटो सिलेक्ट किए हैं। 5 फोटो सिलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पे मैंने ये विराट कोहली सिलेक्ट किए। तो आप जो भी आप लोग हैं, आप जिन्होंने अपनी वीडियो बनानी है, वो सिंपल अपनी फोटो यहाँ पे सिलेक्ट करें। देन यहाँ पे आपने टॉप पे ओरिजिनल का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपल उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे 969 फ्रेम है ये सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपका जो फ्रेम है एकदम अच्छी, मतलब फ्रेमिंग में आ जाएगा। तो जो अभी आपकी फोटो मतलब सेंटर में नहीं आ रही है, उस पर अपने क्लिक करना है और उसको अपनी मतलब उसको सेंटर में कर लेना है सिंपल इस तरह से। तो स्लाइड राइट मूव लेफ्ट मूव करके आप उसको सेंटर में कर लेना है। और लास्ट में यहाँ पे एक बैकग्राउंड ऐड हो जाता है, जिसका कोई रोल नहीं हमारी वीडियो में। तो सिंपल हम इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो सिंपल यहाँ पे हमारे पास 5 फोटोज है। अब 5 फोटोज को ऐड करने के लिए सिंपल क्या करना है, यहाँ पे टैप टू ऐड म्यूजिक पे क्लिक कर लेना है। सिंपल म्यूजिक पे क्लिक करने के बाद म्यूजिक में जाना है और यहाँ पे म्यूजिक को चूज कर लेना है। तो यहाँ पे म्यूजिक में जाना है और यहाँ पे माय म्यूजिक में चले जाना है। तो यहाँ पे वो म्यूजिक होगा जो आपने यहाँ पे डाउनलोड किया होगा, तो उसको आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है। म्यूजिक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड होगा, सिंपल जाइए लिंक इन डिस्क्रिप्शन, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं म्यूजिक और यहाँ पे दोनों को कैसे ऐड करना है, ये मैंने आपको बता दिया हुआ है। सो यहाँ पे ये म्यूजिक को यूज करना है, यूज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे टिक मार पे क्लिक करना है। देख सकते हैं यहाँ पे ये वीडियो म्यूजिक है जो आ चुका है। अभी यहाँ पे हम मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद यहाँ पे हम उनके अकॉर्डिंग अपने फोटो को कट करेंगे। तो फटाफट यहाँ पे मैं मार्क लेता हूँ और देन मैं आपको बताता हूँ। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी वीडियो आप तक आती है। तो यहाँ पे मैं फटाफट मार्क करता हूँ और देन मैं आपको बताता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने है जो बीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है कर लिया म्यूजिक के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अब मैं सिंपल अब जो हमारी फर्स्ट फोटो है, फर्स्ट फोटो को हम इसको लार्ज उसका जहाँ पे हमारा बीट लगा वहाँ पे जाना है और यहाँ पे इसको सिंपल ट्रिम कर देना है। तो सिंपल यहाँ पे मैं कर्सर के ऊपर जाऊँगा और कर्सर ऊपर के आने के बाद फोटो को ट्रिम कर दूंगा। ट्रिम सेलेक्ट करेंगे और उसको यहाँ पे इस तरह से स्लाइड करके इसको ट्रिम कर देंगे। सेम इसी तरह से सभी फोटो को आपने इसी तरह करना है, ट्रिम कर लेना है। तो यहाँ पे मैं फटाफट फोटो को जो है ट्रिम कर लेता हूँ, फटाफट मतलब जो इनको कट कर लेता हूँ बीट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने पहले सबकी फोटो साइज का जो लेंथ है वो छोटा कर लेता हूँ, ताकि हमें आसानी हो जाए अपनी वीडियो को ट्रिम करने में। तो सिंपल यहाँ पे मैंने कर लिया हुआ है। अब मैं यहाँ पे फटाफट वीडियो को जो है उनके बीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे फोटो को ट्रिम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल ये वाली फोटो, देन उसके बाद ये वाली फोटो और सेम इसी तरह से ये फोर्थ वाली फोटो एंड देन ये लास्ट वाली, जहाँ पे हमारा म्यूजिक खत्म होता है, म्यूजिक खत्म होने पर हमारे लास्ट वाली फोटो को ट्रिम कर देंगे। तो सिंपल ये ट्रिम हो चुका है। ओके, अब यहाँ पे हमारी फोटो जो ट्रिम हो चुकी है। अब यहाँ पे हम वो टेक्स्ट लिखेंगे जो वहाँ पे लिखाता है, ओके बट साड़ी, मतलब इस तरह से यहाँ पे टेक्स्ट फटाफट लिख देते हैं और देन मैं आपको वीडियो प्ले करके देता हूँ हमारी डिविकेस किस तरह से लग रही है। तो सिंपल यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करना है, टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे लिखना है सबसे पहले एक आपने हेडिंग सेलेक्ट लेना है। हेडिंग सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने टेक्स्ट लिखना है, ओके बट साड़ी यहाँ पे आपने ऐसे लिख देना है। और देन यहाँ पे कुछ इमोजेस डाल सकते हैं, तो आप वो डाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो सिंपल यहाँ पे मैं कुछ इस तरह का इमोजेस डाल लेता हूँ। और यहाँ पे अगर आप कोई इसका बैकग्राउंड देना चाहते हैं तो बैकग्राउंड दे दीजिए, जरूरी नहीं है कि बैकग्राउंड लगाना है, बट यहाँ पे मैं इस तरह से आपको इन्फॉर्म करने के लिए बैकग्राउंड यहाँ पे लगा लेता हूँ। सिंपल यहाँ पे टिक करेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे, जहाँ तक हमारी फर्स्ट फोटो है वहाँ पर वहाँ तक इसको रखेंगे और देन उसके बाद इसको नहीं लगाएंगे। सिंपल हमारी फर्स्ट फोटो यहाँ पे खत्म होती है, यहाँ पे हमने इसको खत्म कर देना और बाकी ये। तो मैंने जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो बनाई है, बिकॉज ये साड़ी के ऊपर है। तो जिन जिन लड़कियों ने पहले नॉर्मल ड्रेस होगा उसके बाद वो साड़ी वाली फोटोज यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ये जो 4 फोटोज होगी इसमें आपने साड़ी लगानी है, साड़ी वाली फोटो नहीं चाहिए। तो मैंने जस्ट ये आपको इन्फॉर्म करने के लिए किया है। तो यहाँ पे मैं वीडियो प्ले करके देखा हमारी वीडियो किस तरह से लग रही है।
तो गाइस देख सकते हैं हमारी वीडियो बहुत ही अमेजिंग लग रही है, जब ऐसी वीडियो आप बना सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद होगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे क्लिक करना, और यहाँ पे राइट ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हो।